चलो वो पार्टी कुठे पडली तिथे आहे ना बाईट तू देना इन लोग बाईट बाईट दे दो ना नीचे तो सिर्फ काम है दे दो ये मिली है ना ऑक्टेव एंटरटेनमेंट को 20 साल कंप्लीट हो गए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे किस तरह की मेमोरीज रही है मुझे और सुनता की ओर से तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नीरज के साथ वर्षानुवर्ष हो गए बहुत हम लोग काम कर चुके हैं बहुत कामयाब रहे हैं बहुत बा अदब बहुत ही तमीज़ में बहुत शरीफ और घर परिवार की तरह कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी ऐसे कार्यक्रम में कहीं जा रहे हैं हम लोग कि जहाँ पे वो पैसे का और वो बस वही है ऐसा कभी लगा नहीं ही इज़ अ वेरी गुड गाय मे गॉड ब्लेस हिम एंड ऑल द बेस्ट और एक म्यूजिक कंपनी भी उन्होंने आज लॉन्च की है क्या कोई प्लान होने वाला है कि कोलैबोरेट करें आपके साथ मैं पूछा नहीं अभी परंतु मुझे ये बताया कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत तमीज़ से और सोचने के बाद करते हैं जैसे आज तारीख में ये यहाँ पे ये इवेंट रख दिया ये बहुत मतलब अच्छे लोग जो तमीज़ में रहा करते हैं उसमें ये है और मैं बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूँ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे वर्षानुवर्ष हम काम करते आए हैं वैसे करते रहे आप लोग की दुआएं और साथ चाहिए वो सदैव रहा है और ऐसे ही रहा करें ईश्वर से ये प्रार्थना है हैप्पी न्यू ईयर टू यू मे गॉड ब्लेस थैंक्स फटाफट एक सवाल ऑक्टेव एंटरटेनमेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नीरज मिश्रा जी ने जब मेरे साथ काम शुरू किया था एज ए मैनेजर उस वक्त वो और कुछ काम नहीं करते थे उन्होंने एज अ सबसे पहला काम जो शुरू किया वो मेरे साथ शुरू किया और उनकी इतना एंटरप्राइजिंग है और इतने एम्बिशियस हैं और इतने मेहनती हैं कि आज वो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई ऑक्टेव एंटरटेनमेंट उसमें फिर ऑक्टेव म्यूज़िक बनाया और अब धीरे 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 बहुत उन्नति करी है तो ये दिखाता है कि उनमें कितनी शक्ति है और कितने मेहनती हैं और अपनी मेहनत से अपने दम पर उन्होंने ये कंपनी शुरू की और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको और आशा करती हूँ वो हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छा अच्छा काम करेंगे आने वाले म्यूजिक वीडियोस में क्या आप दोनों का कोई कोलैबोरेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ ज़रूर अगर कुछ किसी उसमें मेरी ज़रूरत है तो मैं तो हूँ ही क्योंकि मैं उनकी कंपनी का हिस्सा हूँ बल्कि उनके कंपनी का सबसे पहला सदस्य हूँ तो डेफिनेटली कुछ होगा तो मैं बिल्कुल करूँगी क्यों नहीं थैंक यू जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए और 20 साल जो सेलिब्रेशन आज होने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए थैंक यू सो मच 20 साल देखते देखते गुजर गया बहुत ही अच्छा लग रहा है यू नो हमने शुरुआत की थी 2003 में इवेंट मैनेजमेंट एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट और पहले छोटे पैमाने से शुरू किया था लेकिन अभी हमने मोर देन 500 शोज वर्ल्ड वाइड किया है और आर्टिस्ट मैनेजमेंट करीबन मैंने मोर देन 50 आर्टिस्ट को मैनेज किया है ऑल टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटी लाइक इरफान खान लेट इरफान खान जी विशालन शेखर और एज ऑफ नाउ आई एम मैनेजिंग गोविंदा जी अलका याग्निक कुमार शानू जतिन ललित नीरज श्रीधर भूमि त्रिवेदी डीजे अकेले मैनी मोर बहुत काफ़ी लोग के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग और आप सबको बता दूं कि मेरी वाइफ जो है इसकी प्रोप्राइटर है मेरे कंपनी की और मेरा बेटा भी है मेरा बेटा है और ये भी इसका भी डेब्यू हम लोग करने वाले हैं अभी थोड़े दिन में जैसे आपने कहा कि
मैम भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इस सपोर्ट के बारे में बताइए कि फैमिली का सपोर्ट इस जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट। फैमिली का सपोर्ट बहुत, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ कि मैं बहुत गरीबी से उठ के आया हूँ। जैसे मैं पटना शहर से बॉम्बे आया था 1990 में, उसके बाद 10-12 साल जो संघर्ष मेरा बहुत ज़्यादा रहा है, फिर मेरी शादी हुई और वहाँ से हमारी जर्नी, मेरा लक बहुत फेवर किया और बेटे के होने के बाद और लक ज़्यादा फेवर किया। और बोलते हैं ना, वाइफ और बच्चे का जब लक आता है और घर का एक अच्छा माहौल होता है तो क्रिएटिवली आदमी और ज़्यादा काम करता है और आगे बढ़ता है। तो वो सपोर्ट ऑब्वियसली पत्नी के बिना हो नहीं सकता है और बच्चे के बिना, तो दोनों का बहुत सपोर्ट है इसमें। ऑक्टिव को 20 साल हो गए, अब जो है नया वेंचर आप शुरू करने जा रहे हैं ऑक्टिव म्यूजिक का, उसके बारे में कुछ बताइए। ऑक्टिव म्यूजिक, हाँ जी, और ऑक्टिव म्यूजिक जो है ऑलरेडी रिलीज हो चुका था, उसका एक पहला गाना हमने 1.5-2 महीना पहले किया था, उसका एक मोरनी करके सॉन्ग आया था, नीरज श्रीधर भूमि त्रिवेदी के ऊपर था वो गाना और कंपोज नीरज श्रीधर ने किया था। और अभी दूसरा रब्बा रब्बा गाना आ रहा है, जिसमें ऑब्वियसली जो ऑक्टिव म्यूजिक की प्रोपराइटर मेरी वाइफ और मैं हैं, नीरज मिश्रा शिखा मिश्रा प्रेजेंट आ रहा है, क्योंकि मैं वाइफ को हमेशा इसलिए लगता हूँ कि मेरे लिए बहुत लकी है, लकी चाम है, तो मुझे हमेशा ऐसा सपोर्ट लगता है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ। तो ये गाना भी रब्बा रब्बा बहुत ही मेलेडियस सॉन्ग है और विवियन ने गाया है, विवियन रिचर्ड, जो कि अच्छी बड़ी फिल्में कर रहे हैं एज ए सिंगर एंड एज ए कंपोजर आल्सो। और इसमें आलमा और सिद्धार्थ मॉडल हैं, आलमा ऑलरेडी काफ़ी एड्स में दिखती है और सिद्धार्थ नया लड़का है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गाना है, अभी आज ही रिलीज कर रहे हैं हम लोग उस गाने को, बस आप लोग का लव और प्यार चाहिए। मैम आपसे लास्टली जानना चाहूंगा कि आपके लिए जर्नी कितनी इम्पोर्टेंट थी, जैसे सर ने कहा आप लकी चाम भी है उनके लिए, तो आपके लिए उनके साथ की ये जर्नी कितनी इम्पोर्टेंट थी? बहुत ही अच्छा रहा नीरज का और मेरा साथ, आज ये कंपनी नीरज के मेहनत और इनका अथक परिश्रम से ही ये चीज़ संभव हुआ है और हम दोनों साथ मिलके ही हमेशा से आगे बढ़े हैं, तो अच्छा रहा है हम दोनों का साथ। और कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट थी, कंपनी जो थी वो हमने छोटे से पैमाने से शुरू किया था, लेकिन आज इतने सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतने लोगों के साथ काम करना अच्छा लग रहा है। और देश विदेश में जितना नीरज ने अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है वो बहुत ही अच्छा रहा है। अनिल दिवाकर मेरे पार्टनर हैं, पार्टनर से ज़्यादा मेरे छोटे भाई हैं, यू नो हमारा इनका एसोसिएशन 20-22 साल पुराना है। मैं भी लॉलीपॉप जी के साथ अपनी करियर शुरुआत की थी एज ए डांसर और असिस्टेंट, और ये गणेश हेगड़े के साथ थे और लॉली जी के साथ भी थे, तो ये भी डांस करते थे, मैं भी डांस करता था, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन अनिल और हमने कंपनी शुरू की और हमने इसके पहले अमेरिका में भूमि त्रिवेदी का डांडिया किया था एज ए नेशनल प्रमोटर, 5-6 सिटी टूर हुआ था, बहुत ही अच्छा हुआ था। और अमेरिका से ही हमने डिसाइड किया कि हमको कंपनी स्टैब्लिश करनी है और वर्ल्ड वाइड इसको लेके जाना है, DPA इवेंट्स एंड ऑक्टिव एंटरटेनमेंट दोनों को। और हम लोग, हमारा जो नया वेंचर है जो है वेडिंग प्लानिंग प्रोडक्शन, जो ऑलरेडी अनिल ऑलरेडी वेडिंग प्लानर का काम करते हैं US में और वर्ल्ड वाइड और प्रोडक्शन करते हैं, तो अब हम लोग जुड़ के कर रहे हैं और लाइन प्रोड्यूसर, बाकी अनिल बोलेंगे आपसे। अनिल जी, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले ऑक्टेव एंटरटेनमेंट के साथ आपके कोलैबोरेशन के बारे में बताइए और DPA के बारे में अगर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को। सो एज नीरज एक्सप्लेन, वी आर वेरी गुड फ्रेंड लास्ट फ्रॉम 22 years, 22 साल से हम लोग अच्छे दोस्त हैं। लकीली 3 years बैक, बिकॉज माई कंपनी मैनेज ऑल द बॉलीवुड शोज इन अमेरिका, तो 3 साल पहले थ्रो बैक कुमार शानू, अलका याग्निक एंड उदित नारायण, माई कंपनी वॉज मैनेजिंग दैट शो एंड वी मेट अगेन। तो वहाँ से हमारा एक रीबिल्ड और ये रिव्यून स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद हमने 2-3 शोज और किए एंड आई बिलीव हमारा जो केमिस्ट्री एज ए ब्रदर, क्योंकि क्या होता है कि इन प्रोफेशनल वर्ल्ड इट्स नॉट दैट ईजी टू डू पार्टनरशिप, इट्स नॉट दैट ईजी, बट हमारा एक कहते हैं ना भाईचारा ऐसा है कि जो कुछ बोलते हैं मैंने कहा ठीक है भाई ओके, हमारा कुछ भी ऐसा नहीं कि हम फ्रॉम US इज़ फ्रॉम इंडिया, बट वी हैव वेरी गुड कनेक्शन। सो नाउ वी कम अप विद द आइडिया विच इज़ इन US एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी गोना मैनेज ऑल द शोज फ्रॉम बॉलीवुड, जो भी यहाँ से टूर जाते हैं वी गोना हैंडल विद द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग।
So this is what we are planning in future. And Octave को 20 years हो गए तो we can see that next success with sir will celebrate. So I think जैसे भाभी जी ने बोला मैंने तो देखा हुआ है you know and बॉम्बे में बहुत लोग आते हैं right but successful बहुत कम लोग होते हैं. अगर आप success की बात करें तो you have really great answers. बहुत अच्छा आंसर है क्योंकि मैंने देखा हुआ है how much we did hard work. It's not about the food, it's not about the money, it's about only the work. We did hard work, that's why he's running his company in India and I'm running my company in US. Only one thing, hard work. Luck to hai hi aapka, but agar hard work nahi hai, I don't think so luck is gonna be worth. So ye hum log isko worldwide leke ja rahe hain. Jaise wedding planning hai to worldwide hum isko kar rahe hain. Production bhi abhi hamara Lakshmikant Kyalal ji ka tour ho raha hai abhi April mein Australia mein. तो प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स हम लोग इसका कर रहे हैं. आर्टिस्ट मैनेजमेंट हम नहीं किया हुआ उसका. तो ऐसे यूएस में भी बहुत सारे शो जा रहे हैं. संजय दत्त के शो जा रहे हैं, टूर जा रहे हैं, उसका प्रोडक्शन भी हमारी कंपनी मतलब हमारी और अनिल की कंपनी कर रही है. तो एक जॉइंट वेंचर हमने शुरुआत की है. और सबसे बड़ा क्या है कि जब दो लोगों का दिल मिल जाता है ना तो वो काम करने में मज़ा आता है. अगर अनिल ने कुछ बोल दिया तो उनका डिसीजन का हम रिस्पेक्ट करते हैं, या मैंने बोल दिया तो मेरे डिसीजन का ये रिस्पेक्ट करते हैं. तो वो हमेशा रहता है. आई बिलीव द सिंपल थिंग इज that today's the destination wedding, I hope you all know that, is one of the biggest market in the world. It's a $40 billion industry, destination wedding. In India, a lot of people have a lot of money and they want to do a lot of weddings in outside of the country, but they don't have enough source. Since my company is running in US and we do a lot of destination wedding, it's a good source for them to find all the vendors and they can create what they are looking. So that's our plan. We will get all the contract from India. And I will manage in US. US, yeah. This is what and in US से अगर इंडिया में कोई वेडिंग हो रही है तो वो हम लोग यहाँ की टीम मैनेज करेगी. इससे टीम वर्क, ये टीम वर्क होता है, जो भी हम करते हैं टीम वर्क ही होता है इस चीज़ का. तो बस आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए और प्यार चाहिए, बस हम लोग मेहनत करेंगे. ये 20 साल पूरे होने पर मुझे इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि इसकी शुरुआत मेरी नज़र के सामने हुई, मेरे सामने हुई हमारे भाई नीरज मिश्रा NM मतलब नरेंद्र मोदी नहीं, नीरज मिश्रा. हालांकि इनके नाम में नीरज मतलब जर्नी है, नीरज को उल्टा बोलो तो जर्नी होता है. तो जर्नी इन्होंने बहुत पूरे देश और दुनिया की 20 साल में कम से कम 200 से ज़्यादा देश घूम चुके हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ में. तो इसकी नींव मेरे सामने रखी गई थी और ये आज भी नींव काम कर रहा है, नया नया कुछ ना कुछ करते रहता है. मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतने बड़े फंक्शन को आज ये अरेंज कर रहे हैं और 20 साल होने पर मैं इनको बहुत सारी विश दे रहा हूँ कि ऑक्टिव इवेंट तुम हमेशा ऐसी एक्टिव रहो और तुम्हारा काम करने वाला छोटे से छोटा बंदा भी एक्टिवा पे रहे और खूब तरक्की करे. और मैं समझता हूँ कि आज नए साल में यही कहना चाहूँगा कि ऑक्टिव इवेंट तरक्की करे साल दर साल. यही तहे दिल से दुआ दे रहा है आपका आर्टिस्ट फैन रतन नूरा उर्फ सुनील पाल. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू. और मेरी फिल्म गाली गलौज जरूर देखना, फरवरी में आ रही है. 20 साल कंप्लीट हुए हैं भैया जी. जी नीरज जी इतने प्यारे मित्र हैं. 17 साल पहले हम मुंबई आए थे तब इनको 3 साल हो चुके थे. अब 17 साल में इतने अच्छे मधुर संबंध हैं, बहुत सारे शोज़ किए. और ऐसा कौन सा सिंगर है हिंदुस्तान का जो इनके साथ विदेश ना गया हो या इस देश में शो ना किया हो. तो उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ. और नया काम शुरू कर रहे हैं, अब म्यूज़िक लॉन्चिंग शुरू होगी, बहुत सारे काम बढ़ेंगे, बहुत सारों को काम मिलेगा. इसके लिए इस कंपनी को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूं. लेकिन एक बात दिल से कहता हूं, नीरज जी की टीम जहां भी जाती है, सोनू निगम जी जाएं, साधना सरगम जी जाएं, कुमार शानू जी जाएं, मगर जहां भी जाते हैं हिंदुस्तान का झंडा गाड़ के आते हैं. और इन सब की तरफ से मैं 4 लाइन सुना देता हूं. अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं हम, अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं. अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं हम, अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं. और दुनिया में कहीं रहें, दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं. तो देश, इस देश का सर ऊंचा करते हैं, इस देश के कलाकारों को विदेश में जाके एंटरटेन लोग करते हैं, उन सबको बधाई. और इनके हर प्रोजेक्ट के लिए दिल अच्छा हो, नियत अच्छी हो तो बरकत होती है. और आप सब इतनी संख्या में आए हैं
तो आप सबकी दुआएं भी मिलेंगी, मेरी दुआएं इनके साथ है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर और किसी सब्जेक्ट पे, फिर किसी और मौके पे बात करेंगे। बेस्ट विशेस आर विद देम, आई मीन ऑल द बेस्ट टू देम एंड वेरी ओल्ड बडीज वी आर, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे। तो माय बेस्ट विशेस आर विद देम विद बोथ अनिल भाई एंड नीरज। नीरज सर आप क्या कहना चाहेंगे? दिवाकर के बारे में इतना ही कहूंगा कि ये इन्होंने जो मेहनत की है आज, मतलब आगरा से यूएस में जाकर जो नाम बनाया इन्होंने और वापस से बॉम्बे आके एक बड़ी कंपनी लॉन्च की, उसके लिए मेरी बेस्ट विशेस है और इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं मेरी। थैंक यू। हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर ऑक्टेव म्यूजिक सेकंड सॉन्ग रब्बा रब्बा। दिस इज रब्बा रब्बाज टीम, सिंगर कंपोजर विवियन रिचर्ड, आलमा, सिद्धार्थ, सुशांत डायरेक्टर हैं हमारे, बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। इनका दूसरा, हमारा, हमारी कंपनी का सेकंड सॉन्ग है इनका, और मेरी वाइफ और मैं, हमने प्रोड्यूस किया इस गाने को, और रेस्ट यू कैन आस्क ऑल द टीम क्वेश्चन। ओके, सो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा, मतलब क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी है और सर की तरफ से क्या ब्रीफ मिला है सॉन्ग को लेकर, अगर इस बारे में बताएं। सॉन्ग अपने आप में इतना टची था, सुन के ही वो फील आ गई। उसके बाद डायरेक्टर सर हैं ही हमारे, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, काफ़ी मज़ा आया। म्यूजिक वीडियो के बारे में किस तरह का होने वाला है, क्या कुछ थीम होगा? गान बेसिकली दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट अ लाइफ लेसन मे बी, कि कभी कभार कुछ चीज़ें ऊंच नीच हो जाती है, बट इट डजंट मीन यू गिव अप और समथिंग लाइक दैट। इट इज़ अ वेरी टची सॉन्ग इट सेल्फ, आपको ऐसे लिरिक्स सुनने मिलेंगे जो इतने प्यारे हैं, सुन के ऐसा लगता है कि वाओ इट्स सो सूदिंग टू द इयर्स। एंड द सॉन्ग इज ऑल्सो मेड अकॉर्डिंग टू द लिरिक्स, कि क्या होना चाहिए आगे, क्या करना चाहिए, लड़की को क्या करना चाहिए, लड़के को क्या करना चाहिए। सो यू शुड वॉच द वीडियो टू अंडरस्टैंड। अच्छा मैसेज है उसमें कि कुछ भी हो सुसाइड नहीं करना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत गाना है। जब विवियन ने मुझे पहला मुखड़ा उसका भेजा था, तब मैं बोला था भाई ये गाने को डेवलप करो और बनाओ। विवियन आप गाने के बारे में आप कुछ बोलिए, कैसे कंपोजिशन किया आपने, कैसे गाया आपने? माय फर्स्ट थॉट विद रबर रबर वाज अ वेरी, जो इस गाने की इमोशन है वो बहुत इमोशनल इमोशन है, या फिर हर एक इंसान उस इमोशन से रिलेट कर सकता है। ये इमोशन ऐसा है कि जब आप जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जब वो इंसान आपसे बहुत टाइम तक गुस्सा रहता है, आपसे नाराज़ रहता है, उस वक्त आपके अंदर क्या फीलिंग्स, आप जिन फीलिंग से गुजरते हो, रबर रबर इज ऑल अबाउट दैट। द लिरिक्स काइंड ऑफ पोर्ट्रे दैट सेम इमोशन। So, my team, I think I've had the fortune to work with the most amazing team out here, like from my actors, from my directors. इन्होंने जो मेरे गाने को एक पूरी जान डाली, और जो लिरिक्स थे, जो मेरी आवाज़ थी, उन्होंने अपने अपने किरदार से पूरा चार्टर बना दिया। So, once you see the videos, I think you'll be exactly related to what I'm saying. And another thing, Sushant is a very creative person. और जब मैं पूछता हूँ कि भाई ये क्या बन रहा है, मुझे तो बोलते सर आप बाद में देखना जब बन जाएगा। तो जब मैंने देखा तो हमने यार कमाल है यार, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो स्टोरी बोर्ड डाला है, स्टोरी लाइंस डाला है, वो बहुत ही खूबसूरत है। आप सुशांत आप बताइए, आपने कैसे इसको विजुलाइज किया और कैसे इसको? सो व्हेन द सॉन्ग केम टू मी, आई हैव वर्क्ड विद सर बिफोर आल्सो ऑन अ म्यूजिक वीडियो, एंड दैट वाज quite a hit number. Morbi was our first song together, it was a party number. So this time we thought we'll do something different, so this romantic track came and Vivian composed a really nice track, and so we started working on the story. It took us a couple of weeks to come up with the story, and then once that was locked we went on and shot it, and I think once you all see it you all will really like it, because it's a very heart touching, it's a very heartfelt. We have made it with pure emotions, we have made it with pure intentions. I feel whoever watches it will feel the same way about the video. So yeah, I think you should all watch it, you know what it is all about. So I'm going to tell you, this is Alma, our, this is second album. Yeah. Yes. So Alma ko humne god le liya hai apni company mein. मैं फिल्म बनाऊंगा आलमा और सिद्धार्थ के साथ, और डायरेक्टर देखेंगे म्यूजिक इनका रहेगा। तो सच में अभी हमने कुछ सोचा है अभी। चलिए आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए इस गाने के लिए, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अभी गाना आज ही रिलीज हो रहा है,
रब्बा रब्बा और आई नो इट्स गोइंग टू रॉक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑफकोर्स पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस के पहले कहूँगा थैंक यू, क्योंकि 20 साल से जो यू नो म्यूज़िक वर्ल्ड में इतना उन्होंने काम किया है एंड हम सब कहीं ना कहीं म्यूज़िक से कनेक्टेड है, और जिस तरह का म्यूज़िक ये बनाते हैं आई थिंक हमारे सबके अंदर वही म्यूज़िक बसता है. तो सबसे पहले तो थैंक्स है एंड ऑफकोर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. क्योंकि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, बहुत सारी चीजें इस समय चल रही है बॉलीवुड में, पठान को बॉयकॉट किया जा रहा है, एक टीवी एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया, तो एज अ जर्नलिस्ट और एज अ इंडस्ट्री का पार्ट क्या कहना चाहेंगे ये सब जो चीजें एक साथ चल रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? आई फील कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा वापस जा रहे हैं, रिग्रेसिव टाइम्स में जा रहे हैं. मैंने अभी कुछ दिन पहले भी 80s का टाइम की बात की थी, 70s में अगर आप फिल्में देखेंगे या 90s की फिल्में देखेंगे, आज वो फिल्में बनी नहीं सकती. इनफैक्ट कुछ दिनों के बाद रंग दे बसंती की रिलीज एनिवर्सरी एंड वी वर जस्ट टॉकिंग बिटवीन फ्रेंड्स कि क्या ये फिल्म आज रिलीज हो सकती है? नहीं हो सकती. आई थिंक 60% ऑफ द सीन्स विल बी कट. बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ कंफ्यूजिंग टाइम्स है, पीपल आर गेटिंग ऑफेंडेड, बट कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे, तो आई थिंक सब चीज़ों को ध्यान में तो रखना पड़ेगा. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. नीरज भाई की जो जैसे जैसे तरक्की हो रही है, जितने भी कलाकार हम सब इतने खुश है क्योंकि नीरज भाई एकदम जीरो से आए हैं. आप सभी जानते हैं नीरज भाई ने कितनी मेहनत की है. एक मतलब बिहार से आकर एक पहले कोरियोग्राफर थे वो, उसके बाद कई आर्टिस्टों के साथ उन्होंने काम किया, एक एक स्टेप बढ़ते 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 आज इस मुकाम पर आया. तो ऐसा लगता है कि ये उनकी तरक्की नहीं मेरी तरक्की है. नीरज भाई लव यू कसम से, मैं चाहता हूँ कि आप और तरक्की करो, आपके साथ में हम सब कलाकारों की भी तरक्की होगी. बनी आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होंगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज सर को. मैंने हमेशा से डैड से बहुत सारी उनकी स्ट्रगलिंग स्टोरीज सुनी है, कैसे डैड और वो साथ में उन्होंने शुरुआत की थी अपने करियर की, एंड इट फील्स गुड कि जितने भी हमारे जान पहचान के लोग हैं उनका जब ग्रोथ हम जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ मैं एंड आई लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक अप टू. Yeah, and first of all, I want to congratulate this beautiful event company, and I want to congratulate them that after the long pandemic time, they still survived and they are doing something new. They are launching new venues, also not venues, the new activities in the company. So I want to say all the best. And about the Shah Rukh, yes, I worked in a Patan, very small character, but I want to tell about him as a person because I had very close work with him in the film Zero, and I found him very hardworking, very dedicated, an amazing person, and he's really, really love whatever he does. He loves his work and he loves his art. And I love him, and all as a being a Russian, I want to say that all Russia love Sharp, I guess. So I will watch Patan, definitely. I will watch it, and even though today it has some controversy, still art will be always exist, and it will be always out of politics and out of all this conversation around the art. Please watch the Patan. Neeraj ji, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि रियली प्राउड ऑफ हिम. उन्होंने आज 20 साल कंप्लीट किया और आने वाले दिनों में भी मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़े, और वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड माय ऑल हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नीरज जी एंड ऑल हिज टीम. किसी भी कॉन्टेंट को आई थिंक अगर अच्छी अच्छी ऑडियंस मिल जाए, अच्छे क्रिएटर्स हों, तो ज़रूर वो चलता है. और बहुत बहुत बधाई एंड ऑल माय बेस्ट विशेस, और ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और हमें अच्छा अच्छा कंटेंट दें. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ बताएं? अपकमिंग राजा मौली जी की एक फिल्म थी छत्रपति, जिसमें प्रभास थे. 2005 में फिल्म आई थी तेलुगु सिनेमा में, उसका हिंदी रीमेक हो रहा है. उसमें नुसरत भरूचा हैं, शरद केलकर हैं, जॉनी लीवर हैं, उसमें मैं मुख्य नेगेटिव भूमिका में हूँ, और वो जल्द ही पेन मूवीज़ रिलीज़ करेगा. थैंक यू. मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ नीरज मिश्रा जी को और ऑक्टेव एंटरटेनमेंट की सारी फैमिली को, एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, आज हमने 20 साल पूरा कर लिया है. तो अभी जो रिसेंट आया था वो जुग जुग जियो में मैंने गाया था तुम जो गए, और
अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाइन अप हैं जो कि इस ईयर आने वाले हैं, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। म्यूजिक के साथ कोलैबोरेशन करने का प्लान है? हाँ, डेफिनेटली शोज़ तो हम कर ही रहे हैं और करने ही वाले हैं, और सर ने अपना म्यूज़िक लेबल भी लॉन्च किया है, तो डेफिनेटली करेंगे साथ में काम। थैंक यू। नीरज जी को पहले सबसे बहुत 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 सारी बधाई, और हर एक साल नए नए वेंचर्स के साथ नीरज जी हमेशा होपफुल रहते हैं, और जितने भी आर्टिस्ट हैं मैं उनके साथ इतने सालों से जुड़ी हुई हूँ, और जब से मेरा करियर शुरू हुआ है उसके कुछ सालों बाद, आई थिंक 3 या 4 साल बाद हम 2014 से हम जुड़े हैं, और काफ़ी रेयर ऐसा होता है कि एक आर्टिस्ट एक मैनेजमेंट टीम के साथ रहता है, और दिस हैज़ हैपेंड विद बोथ ऑफ अस, एंड मैं आई रियली वॉन्ट टू थैंक नीरज जी फॉर वॉट ही हैज़ डन फॉर ऑल हिज आर्टिस्ट, एंड हमेशा उन्होंने भी साथ साथ में ग्रो किया, ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ आर्टिस्ट को ग्रो करवाया है, बट साइड बाई साइड हम लोग दोनों एक साथ आर्टिस्ट और मैनेजमेंट कंपनी एज इंडिविजुअल्स हम ग्रो कर रहे हैं, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज नीरज जी के इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को, ऑक्टिव एंटरटेनमेंट को 20 साल पूरे हो रहे हैं, एंड डी पी ए इवेंट्स के साथ उनका एक जो नया वेंचर है वो शुरू हो रहा है, एंड ऑक्टिव एंटरटेनमेंट, ऑक्टिव म्यूज़िक जो है उस चैनल पे सबसे पहला गाना नीरज श्रीधर जी और मेरा जो हमने रिलीज़ किया कुछ महीनों पहले, दैट वॉज़ रियली अमेजिंग, और आज और एक गाना लॉन्च होने जा रहा है, दैट्स कॉल्ड रब्बा रब्बा, और मैं बस सभी को बधाई देना चाहती हूँ, और 20 नहीं 200 साल तक आगे इस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और अमेजिंग आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, यू नो सारे जो जुड़े हुए हैं, सो आई रियली वांट टू थैंक एंड कंग्रेचुलेट नीरज जी एंड हिज टीम एंड इवन माई सेल्फ बींग अ पार्ट ऑफ ऑक्टिव एंटरटेनमेंट। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, ऑक्टिव का 20 साल हो गए, एंड मुझे बहुत प्राउड की बात है कि जब नीरज बॉम्बे आया था तो मेरे पास ही उतरा पहले, और मेरे हाथ का बच्चा आज इतना अच्छा कर रहा है, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने मतलब उससे देखते देखते इतना अच्छा काम करने लगा है वो, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट और साल चले और प्रगति करे और सक्सेस ले, एंड नीरज इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर, तो मैं चाहता हूँ और मैं नीरज के साथ हमेशा हूँ साथ में। गॉड ब्लेस जी, बिल्कुल ऑक्टिव एंटरटेनमेंट को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड नीरज जी हैज़ बिन लाइक फैमिली, एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर, एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर ऑल ऑफ यू ऑल फॉर सपोर्टिंग द 20 इयर्स, एंड कंग्रेचुलेशंस टू द टीम फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। जी हाँ, काफ़ी सारे हैं, अभी इंडिपेंडेंट एल्बम पे काम चल रहा है, फिल्मों पे काम चल रहा है, सो यू विल हियर सम अमेजिंग सॉन्ग्स वेरी वेरी सून, एंड यू टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू।